या देवी सर्वभूतेषु मामात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में। कलश विसर्जन हमें कब करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है कलश विसर्जन करने का, विधि क्या है, किस मंत्र के द्वारा हमें कलश विसर्जन करना चाहिए, और इसके अलावा कलश विसर्जन करते समय माँ दुर्गा की चौकी पर जो रखी हुई सभी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का क्या करना चाहिए। जैसे कि चौकी पर अगर आपने षोडश मातृका बनाया है, नवग्रह मंडल बनाया है, या फिर जो हम अक्षत का प्रयोग करते हैं अष्टदल कमल बनाने के लिए, या पूर्ण पात्र में जो हम चावल रखते हैं उसका क्या करना चाहिए, पान सुपारी पुष्प इत्यादि जो चीजें हम अर्पित करते हैं माँ को, लौंग इलायची, इन सभी चीजों का क्या करना चाहिए, और अखंड दीपक हमें कब तक प्रज्वलित करके रखना है, और जो बाती बच जाती है अखंड दीपक के ठंडा होने के बाद जो बच जाती है बाती उसका क्या करना चाहिए। माता की चौकी लगाते समय जो ज्वारे हमने बोए हैं उन ज्वारों का क्या करना है, मिट्टी का क्या करें, और कलश का क्या करें अगर हमने मिट्टी का कलश स्थापित किया है या धातु का कलश स्थापित किया है तो इन कलश का क्या करना है, और कलश में जो हम सामग्री डालते हैं जैसे कि सिक्के, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीजें जो हम प्रयोग करते हैं कलश की स्थापना करते समय, तो इन सभी चीजों का क्या करना चाहिए। चौकी पर बिछाए हुए लाल कपड़े का क्या करें, माँ की मूर्ति का क्या करना चाहिए, या फोटो स्थापित किया है तो फोटो का क्या करें, इसके अलावा और भी जो भी चौकी पर रखी हुई सभी चीजें हैं सबके बारे में बात करने वाले हैं कि इन चीजों का हमें क्या करना चाहिए। सुहाग की सामग्री आपने अर्पित की है तो इसका आप प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, दान किस प्रकार से करेंगे, मतलब सभी बातें, छोटी बड़ी समस्त जानकारी जो कलश विसर्जन से संबंधित होती है वो सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। आपके बहुत सारे प्रश्न आए हैं कलश विसर्जन से संबंधित, तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी आज की वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें, इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, बहुत से लोग कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं, लेकिन कई भक्त दशमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, दशमी तिथि को वो अपने व्रत का समापन करते हैं। वैसे अगर नवरात्रि में आपने पूरे 9 दिनों का व्रत धारण किया है तो आपको नवमी तिथि में ही कन्या पूजन करना चाहिए और व्रत का पारण दशमी तिथि में करना चाहिए। लेकिन आपके परिवार में जिस प्रकार से भी होता है, अष्टमी को अगर कन्या पूजन करते हैं या व्रत खोलते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कलश का विसर्जन आपको अष्टमी या नवमी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का मतलब होता है प्रतिपदा तिथि से लेकर और नवमी तिथि की समाप्ति तक माँ भगवती दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं, अपने भक्तों के घर में वास करती हैं, और दशमी तिथि के दिन दुर्गा जी का विसर्जन किया जाता है, माता का विसर्जन किया जाता है। तो कलश विसर्जन हमें दशमी तिथि में ही करना चाहिए, नवरात्रि में नवमी तिथि तक पूरे भक्तिभाव से माँ की आराधना करना चाहिए। लेकिन अब बहुत से भक्त कहेंगे कि अष्टमी तिथि के दिन ही हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है, हमारे परिवार की यही परंपरा है। बिल्कुल कर लीजिए, आप अपने घर के जो भी रीति रिवाज है उसके अनुसार अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर लीजिए, लेकिन चौकी मत हटाइए, चौकी वहीं रहने दीजिए। सुबह शाम जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा कर रहे थे उसी प्रकार से नौमी तिथि की संध्या काल तक आप माँ की पूजा आराधना करेंगे, मंत्र जप इत्यादि जो भी आप करना चाहते हैं नौमी तिथि की संध्या काल तक करेंगे, क्योंकि नौमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की तिथि होती है। इससे पहले अगर आप चौकी हटा देते हैं तो आप जितना भी पूजा पाठ करते हैं उन सभी की सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा से होती हैं। इसलिए नवरात्रि का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आप बेशक चाहे तो व्रत खोल सकते हैं अगर आपके यहाँ अष्टमी को व्रत खोला जाता है तो, लेकिन नौमी तिथि की शाम तक आप पूजा उसी प्रकार से कीजिए। तो आपने जो नवरात्रि में मंत्र जप इत्यादि किए हैं या स्तोत्र पढ़ा है या कोई भी पाठ किया है उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो आपको चौकी हटानी है दशमी तिथि के दिन। अब बात करें नौमी तिथि के और दशमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर की शाम को 4:38 पर, और नौमी तिथि समाप्त होगी 4 अक्टूबर की दोपहर में 2:20 पर। तो जो भक्त पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं और दशमी तिथि में पारण करते हैं वो सभी भक्त दोपहर में 2:20 के बाद 4 अक्टूबर को अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है
4 अक्टूबर की दोपहर में 2:20 पर और समाप्त होगी 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे। तो कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है 5 अक्टूबर को 6:21 से 8:43 तक है। और ऐसे में कई भक्त ऐसे भी होंगे जो 5 अक्टूबर को कलश विसर्जन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में 4 अक्टूबर को जब दशमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 2:20 से 3:25 तक का जो समय है, इस समय में आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। और 3:30 बजे से मतलब 3:30 से राहुकाल प्रारंभ हो जाएगा, तो आप इससे पहले ही कलश विसर्जन कर लीजिए। राहुकाल में आप कलश विसर्जन नहीं कर सकते, ना ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। तो कलश विसर्जन के ये दो मुहूर्त हैं, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए और अपने अनुसार आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि कलश विसर्जन की विधि क्या होती है। तो देखिए, कलश विसर्जन से पहले स्नान कर लेना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद जिस प्रकार से आप प्रतिदिन चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, उसी प्रकार से आज भी विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करेंगे। जैसे कि शुद्ध आसन डालकर माँ के सामने बैठ जाइए, उसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए अपने सामने, और इसके बाद गणेश जी का पूजन कीजिए, कलश देवता का पूजन कीजिए, नवग्रह मंडल अगर आपने बनाया है, षोडश मातृका बनाया है, तो इन सबका पूजन किया जाएगा। माँ भगवती दुर्गा की पूजा विधि विधान से की जाएगी, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प भोग, ये सभी चीजें जैसे कि आप प्रतिदिन नवरात्रि में पूजा कर रहे थे, उसी प्रकार से विसर्जन वाले दिन भी विधि विधान से पूजा की जाएगी। क्योंकि बिना पूजा किए, बिना आरती किए, बिना भोग लगाए आप विसर्जन नहीं कर सकते किसी भी देवी देवता का, इसलिए विधि विधान से पूजा कर लीजिए। कुछ भोग माँ को अवश्य अर्पित कीजिए, लाल या पीले पुष्प माँ को अर्पित कीजिए, और सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद आपको आरती करनी है, और आरती करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। मतलब जैसे नवरात्रि में 9 दिनों में किसी भी प्रकार से माँ की सेवा में, पूजा में, व्रत में, या किसी मंत्र जप इत्यादि में, ध्यान उच्चारण में कोई भी भूल चूक हुई हो, तो हे माँ भगवती हमें क्षमा करें, अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से मतलब अपने तरीके से माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और विधि विधान से पूजा करने के बाद आप कलश विसर्जन करेंगे, तो कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए या कुछ पैसे रख लीजिए, और ये सभी चीजें आपको कलश पर रखना है। तो कलश पर रखने से पहले इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। और मंत्र बोलने के बाद ये सभी चीजें जो आपने अपने हाथ में ले रखी हैं, अक्षत, जल और पुष्प, ये कलश पर छोड़ देंगे। उसके बाद सभी देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करते हुए कलश को थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ से हिला दीजिए, चौकी को थोड़ा सा हिला दीजिए, इसी को कलश विसर्जन कहते हैं। और इसके बाद आप सामग्री वहां से हटाएंगे, तो सबसे पहले कलश पर रखा हुआ नारियल हटाना चाहिए, उसके बाद आप बाकी की सभी सामग्री हटा सकते हैं एक एक करके। तो बात करते हैं कि नारियल का क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत से स्थानों पर नारियल को विसर्जित कर दिया जाता है, जल में विसर्जित कर देते हैं, किसी मंदिर में रख देते हैं, या किसी पेड़ के नीचे भी रखकर आ जाते हैं, मतलब उसे तोड़कर नहीं खाते हैं। लेकिन ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता है कि उस नारियल को तोड़कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया जाता है, और जो नारियल में जल होता है उस जल में से पूरे घर में छिड़काव कर देना चाहिए। व्यापार स्थल है तो व्यापार स्थल में भी छिड़काव कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है नारियल को तोड़कर खाने में, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन जिन घरों में नारियल का विसर्जन किया जाता है, आप बिल्कुल विसर्जन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ना तो तोड़कर खाने में कोई समस्या है, ना विसर्जन में कोई समस्या है। आपके परिवार में जिस भी प्रकार से परंपरा है उस नारियल को प्रयोग करने की, आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आपने नारियल पर कलावा लपेट रखा है, या फिर जो हम कलश के गले में कलावा लपेटते हैं, उन सभी कलावे को आप अपने घर में परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में बांध दीजिए। 9 दिनों तक वहां पर पूजा हुई है, तो ये सभी धागे अभिमंत्रित हो चुके हैं। अगर आप इनका प्रयोग अपने हाथ में बांध कर करते हैं, तो आपकी रक्षा हर प्रकार के संकट से होती है। और कलश पर रखा हुआ जो पंचपल्लव है, ये विसर्जन में जाएगा। इसके अलावा जो जल है कलश का, उसे आप अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में लेकर ग्रहण कर सकते हैं, और अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापारिक स्थल पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, या अगर आप किसानी करते हैं, खेतों में इसका प्रयोग कर सकते हैं छिड़काव करने के लिए। अपने घर के हर कोने में इस जल का छिड़काव कीजिए, ये बहुत ही पवित्र जल है। जहां भी हम इस जल का प्रयोग करते हैं छिड़काव करने के लिए, उस जगह की शुद्धि हो जाती है। और जो बचा हुआ जल है आप अपने घर के किसी गमले में डाल सकते हैं, कच्ची मिट्टी में डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं कलश में रखी हुई सामग्री का। जो कलश में हम सामग्री डालते हैं, जैसे कि आपने अगर साबुत हल्दी डाली है, उसे आप विसर्जित कर दीजिए। लौंग इलायची विसर्जित कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने धातु का प्रयोग किया है, जैसे कि गोमती चक्र डाला है, कौड़ियां डाली है, सिक्का डाला है, तो आप इसे एक लाल कपड़े में बांधकर और अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखिए। और बाकी की सभी सामग्री जैसे कि लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, ये चीजें विसर्जित कर दीजिए। घर के किसी भी गमले में मिट्टी में आप इसे दबा सकते हैं। अगर आपके पास स्थान है तो सभी चीजें घर में ही विसर्जित कीजिए।
लेकिन अगर आपके पास इतनी कच्ची मिट्टी नहीं है तो बाकी की चीजें आप जल प्रवाह कर सकते हैं या किसी साफ सुथरी जगह पर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर और अंदर ये सभी चीजें जो भी सामग्री विसर्जन के लिए जाएगी वो मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। खुले में ऐसे मत फेंकिए किसी भी चीज को। और कलश पर जो पूर्ण पात्र रखा है उस पूर्ण पात्र के चावल को आप अपने घर में रखेंगे, घर की रसोई में रखेंगे। किसी भी लाल कपड़े में बांधकर आप उसे अपने घर की रसोई में रख सकते हैं या मिट्टी का कोई पात्र हो, मिट्टी का कोई कलश हो तो आप उसके अंदर भरकर और उसी में एक सिक्का डाल दीजिए और इसे अपने घर की रसोई में रख दीजिए। हमेशा माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में बना रहेगा। और कलश के नीचे जो आपने चावल रखा है, जौ रखा है, गेहूं रखा है, जो भी आपने कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाने के लिए सामग्री प्रयोग की है अनाज की, उसे आप पक्षियों को डाल देंगे। और अब बात करते हैं ज्वारे के बारे में कि ज्वारे का क्या करना है। देखिए ज्वारे जो होते हैं वो बहुत शुभ चीज मानी जाती है। इसमें से थोड़े थोड़े काटकर हमें अपने घर में जो देवी देवता विराजित हैं उन्हें अर्पित करना चाहिए, जैसे कि हम पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं। उसी प्रकार से ज्वारे में से थोड़े से काटकर सभी देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। और हाँ, ज्वारे काटते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी धारदार चीज से, लोहे की चीज से ज्वारे नहीं काटने चाहिए। ज्वारे बहुत शुभ चीज मानी जाती है, तो इसे हम चांदी के सिक्के से काटते हैं और उसके बाद सभी देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। थोड़ा थोड़ा परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप में। अपने घर के लॉकर में, तिजोरी में आप रख सकते हैं किसी लाल कपड़े में बांधकर। और बच्चों की बुक सेल्फ है तो आप उसमें रख सकते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी, उन्हें शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अपने घर में प्रयोग करने के बाद जो बाकी बचे हुए ज्वारे होते हैं आप चाहें तो किसी गाय को खिला सकते हैं या फिर आप विसर्जन कर सकते हैं जल में या फिर मिट्टी में, आप उसे विसर्जित कर दीजिए। और ज्वारे के नीचे जो मिट्टी होती है जिसमें हम ज्वारे बोते हैं आप उसे अपने घर के गमले में डाल सकते हैं। और जिस पात्र में आपने ज्वारे बोए हैं, मान लीजिए आपने मिट्टी के पात्र में बोए हैं, तो आप उसे साफ करके उसमें पानी भरकर पक्षियों के लिए रख सकते हैं। और जिन भक्तों ने धातु के पात्र में, मतलब किसी भी धातु के पात्र का प्रयोग किया है ज्वारे बोने के लिए, तो ज्वारे निकालने के बाद, मिट्टी निकालने के बाद जो पात्र है आप उसे अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आपने चौकी पर नवग्रह मंडल बनाया है या फिर आपने षोडश मातृका बनाया है तो चावल का प्रयोग किया है, या बहुत से लोग गेहूं जौ का प्रयोग करते हैं, सुपारी इत्यादि रखते हैं, कई लोग मखाने बतासे इत्यादि रखकर और षोडश मातृका और नवग्रह मंडल बनाते हैं, तो इसका क्या करना चाहिए। देखिए जो हम अन्न का प्रयोग करते हैं ये सभी अन्न आप पक्षियों को डाल देंगे और जो सुपारी आपने प्रयोग की है वो विसर्जन में जाएगी। और अगर आपने इस पर ड्राई फ्रूट रखा हुआ है, जैसे कि कोई पंचमेवा इत्यादि रखकर, मखाने रखकर भी षोडश मातृका इत्यादि बनाते हैं, तो ये सभी चीजें आप चींटियों के निमित्त किसी कच्ची जमीन में रख दीजिए, चींटियां इसे खा लेती हैं। और अब बात करते हैं कि जो पूजा में आपने पुष्प इत्यादि प्रयोग किए हैं, लौंग इलायची पान के पत्ते प्रयोग किए हैं, उसका क्या करना है। तो देखिए पूजा में जो आपने लौंग इलायची का प्रयोग किया है इसे आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन पान के पत्ते और पुष्प इत्यादि जो हमने माँ को अर्पित किए हैं ये सभी चीजें विसर्जन में जाएंगी। और पंच पल्लव और तोरण के लिए जो आपने प्रयोग किए हैं पत्ते, उन सभी पत्तों को भी आप विसर्जित करेंगे। और अब बात करते हैं कि लाल कपड़े का क्या करना चाहिए जो हमने चौकी पर बिछाया है। तो देखिए आप इसे धोकर रख सकते हैं, दोबारा आप पूजा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें रखकर, जैसे कि कुछ फल इत्यादि रख दीजिए, कुछ अन्न रख दीजिए और दक्षिणा के साथ आप दशमी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, आप चाहें तो इस कपड़े का अपने घर में किसी भी प्रकार से पूजा के जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि दीपक का क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपने प्रतिदिन मिट्टी के दीपक प्रयोग किए हैं जलाने के लिए, माँ के सामने प्रज्वलित करने के लिए, तो ऐसे में सभी मिट्टी के दीपक विसर्जित करेंगे आप। जो अखंड दीपक आपने प्रज्वलित किया है, मान लीजिए आपने मिट्टी के दीपक में प्रज्वलित किया है, तब तो आप उसे विसर्जित करेंगे। लेकिन अगर आपने धातु का दीपक प्रयोग किया है पूजा में अखंड दीपक प्रज्वलित करने के लिए, तो आप बिल्कुल उसे विसर्जित नहीं करेंगे, धोकर साफ करके रख दीजिए। उसे आप अपने घर की पूजा में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, अगली बार उसी में आप दोबारा अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो धातु का दीपक आपको विसर्जित नहीं करना है, लेकिन जो भी आपने मिट्टी के दीपक प्रयोग किए हैं पूजा में वो सभी दीपक आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सभी मिट्टी के दीपक आप विसर्जित करेंगे। और हाँ, अब बात करते हैं कि जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी जो बाती बच जाती है उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए दीपक ठंडा होने के बाद जो बाती बच जाती है उसे आप विसर्जन की सामग्री में डाल दीजिए। और हाँ, एक प्रश्न आया था कि दीपक हमें कब तक प्रज्वलित रखना है। तो देखिए नवरात्रि में जो अखंड दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, पूरी नौमी तिथि की समाप्ति होने तक वो दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। बहुत से लोग तो पूर्णिमा तिथि तक दीपक प्रज्वलित रखते हैं, मतलब प्रतिपदा से लेकर और पूर्णिमा तक अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ये भक्तों की श्रद्धा होती है अपनी। लेकिन आप कम से कम नवरात्रि में नौमी तिथि की समाप्ति होने तक दीपक अवश्य प्रज्वलित रखिए और उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा होने दे सकते हैं। और ध्यान रखिए गलती से भी दीपक को स्वयं से ठंडा करने की कोशिश मत कीजिए, जब घी समाप्त हो जाएगा तो अपने आप वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो दीपक आप अगर धातु का है तो साफ करके धोकर रख सकते हैं और मिट्टी का है तो आप विसर्जित कर सकते हैं।
और अब बात करते हैं कि जो पूजा में हम चुन्नियों का प्रयोग करते हैं, लाल चुन्नी जैसे कि नारियल में आपने लपेटी है या फिर माँ को जो अर्पित करते हैं, इन सभी चीज़ों का क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो चुन्नी हम प्रयोग करते हैं माँ को अर्पित करने के लिए या नारियल में जो लपेट कर हम रखते हैं, इन सभी चुन्नी को आप चाहें तो विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में पूजा स्थल में मंदिर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बात करें कि माँ की जो मूर्ति आपने स्थापित की है उसका क्या करना है, क्या हर साल उसको विसर्जित किया जाएगा? देखिए, ये तो मैंने पिछली साल भी आप लोगों को बताया था कि माँ की जो मूर्ति आप लोग रखते हैं चौकी पर, वो वही मूर्ति रखिए, वही फोटो रखिए जिसकी आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, उसी को आप चौकी पर विराजित करके विधिवत पूजा आराधना नवरात्रि में 9 दिन तक कीजिए और नवरात्रि के समाप्त होने के बाद वापस वो मूर्ति लाकर अपने घर के मंदिर में रखकर प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजा करते थे उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं, जैसे बहुत से भक्त मिट्टी की मूर्ति माँ दुर्गा की लेकर घर में आते हैं, उसे स्थापित करके पूजा करते हैं, तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं माँ दुर्गा की, तो आप उसे जल विसर्जन करेंगे, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति आप बहुत दिनों तक अपने घर में नहीं रख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि माँ को जो आपने सुहाग की सामग्री अर्पित की है उसका क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए या स्वयं प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, जो सामग्री सुहाग की हम माँ को अर्पित करते हैं, आप उसमें से कुछ सामग्री दान जरूर दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें अपने लिए भी रखिए, जैसे कि आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, ये चीज़ें माँ के प्रसाद के स्वरूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिछुआ अर्पित करते हैं, पायल अर्पित करते हैं, बहुत सारी चीज़ें माँ को अर्पित की जाती हैं, बहुत से लोग वस्त्र इत्यादि अर्पित करते हैं, तो जो भी चीज़ें आप अर्पित करते हैं इसमें से कुछ चीज़ें जो भी आप दान करना चाहते हैं दान कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने लिए भी रख सकते हैं। और बहुत से भक्त दो दो जोड़ा चीज़ें ही अर्पित करते हैं, जैसे कि एक सुहाग की सामग्री पूरी दान करने के लिए और एक सुहाग की सामग्री पूरी तरह से अपने लिए रखते हैं, तो आप चाहें तो इस प्रकार से भी नवरात्रि में कर सकते हैं। दान करना चाहिए चीज़ों का, जैसे कि नवरात्रि में जो माँ को हम अर्पित करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें सुहाग की अगर हम किसी सुहागन स्त्री को दान करते हैं तो इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। और हाँ, एक प्रश्न आया है कि क्या सुहाग की सामग्री हम किसी ब्राह्मण को ही दें या किसी सुहागन को ही दें, क्या किसी ज़रूरतमंद को नहीं दे सकते? देखिए, ज़रूरतमंद को सुहाग की सामग्री नहीं दी जाती है, सुहाग की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दी जाती है जो उसका प्रयोग करें, क्योंकि कोई उसका प्रयोग करेगा तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें हम दान के लिए खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो ताकि दूसरा उसे प्रयोग करे। तो सुहाग की सामग्री दान करते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और जिस सुहागन स्त्री को हम दान कर रहे हैं वो सुहागन स्त्री उसे धारण करे। तो देखिए, आप चाहें तो अपने परिवार में भी किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बड़ा है, जैसे कि आपकी सास हो या आपकी ननद हो, जेठानी हो, तो आप उसे दान कर सकते हैं। और चौकी पर से सभी चीज़ें जब आप हटा लेते हैं तो उसके बाद चौकी जहां पर रखी थी उस स्थान पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए, मतलब अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करना है, एक छोटा सा दीपक जिसमें कि आप थोड़ा सा घी डालकर और बाती डालकर प्रज्वलित कर दीजिए। स्थान को सूना नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप कलश विसर्जन करते हैं उसके बाद आपको घर में तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तुरंत कपड़े नहीं धोने चाहिए, मतलब घर की सफाई आपको तुरंत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने माँ की विदाई करी है और तुरंत ही अगर हम घर में साफ सफाई करने लग जाते हैं तो इसका फल हमें अशुभ प्राप्त होता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप सुबह विसर्जन कर रहे हैं तो दोपहर के बाद घर की साफ सफाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन सुबह के समय मत कीजिए। और कलश विसर्जन करते समय माँ से प्रार्थना करते रहिए कि कोई भी जाने अनजाने पूजा पाठ में कोई भूल चूक हुई हो, इन 9 दिनों में परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा कोई गलती हुई हो, तो हे माँ भगवती, हमें क्षमा कीजिए और आप हमारे घर में लक्ष्मी स्वरूप में, अन्नपूर्णा स्वरूप में हमेशा विराजमान रहिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करते रहिए, क्षमा याचना करते रहिए, क्योंकि पूजा पाठ में कुछ न कुछ हमसे जाने अनजाने गलतियां हो ही जाती हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो ये है कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि जो मैंने आपसे शेयर की है, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो में मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं और लगभग सभी चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी दे दी है, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी कलश विसर्जन करने में सुविधा हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।